तो गाइस आप सबका स्वागत है एपिक पाठशाला में। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम सक्सेसफुल होने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, पर कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हमें नहीं भूलनी चाहिए। सब देखा होगा जहाँ पर इंसान होते हैं वहाँ पर हमारे आसपास पशु पक्षी होते हैं। क्या आपने ऐसी जगह देखी है जहाँ पर पशु पक्षियों और इंसान ना हो? क्योंकि वहाँ पर आप मुझे ये कहेंगे हाँ हमने देखी है। अरे भाई जहाँ आपने जंगलों में देखे होंगे ऐसे पशु पक्षी, पर वो पशु पक्षी नहीं होते, उन्हें जंगली जानवर कहते हैं। पशु पक्षी हमारे आसपास रहने वाले जीवों को कहते हैं, क्योंकि वो जंगली जानवर प्रकृति पर निर्भर होते हैं और जो हमारे आसपास के जीव होते हैं वो हम पर निर्भर होते हैं, उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। पर उनके मन में एक छोटी सी आस होती है कि हमें वो कुछ खाने को देंगे, पर हम क्या करते हैं उनके साथ। मैं आज एक बंदे की बात सुनाता हूँ। पैट्रिक की एक किडनी फेल थी, जंगल में एक हाथी मरा हुआ देखा जो हाथी प्यास की वजह से मर गया था। पैट्रिक को उस हाथी को मरा हुआ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। पैट्रिक ने सोचा मैं तो क्या पता कल मर जाऊं। क्या किया, शहर जाके डोनेशन इकट्ठा किया और उस डोनेशन के पैसे से एक पानी का टैंक लिया और उस पानी के टैंक को जाके जंगल में उसके नल को खोल दिया। जो सारे जंगली जानवर थे वो पैट्रिक के ट्रक को देखकर उसकी तरफ भागने लगे। पैट्रिक हर रोज जाता अपने 3.5 घंटे बर्बाद करके, मैं इसे बर्बादी नहीं कहूंगा, मैं इसे इंसानियत कहूंगा। जब भी पैट्रिक के ट्रक की आवाज सुनते हैं तो वो उसकी तरफ दौड़ने लग जाते हैं। अपने 3.5 घंटे उन जंगली जानवर की मदद करने जाता था, और हम अपने आसपास रहने वाले जीवों की मदद नहीं कर सकते इंसानियत होने के नाते। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने आसपास रहने वाले पशु पक्षियों की मदद करें। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।